नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम आपको बताएंगे नीरज बवाना के दुश्मनों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीरज बवाना 16-17 सालों से क्राइम की दुनिया में एक्टिव है, तो इस दौरान उसके कई दोस्त बने तो कई दुश्मन। लेकिन क्राइम की दुनिया ही ऐसी है जहाँ दोस्त कब दुश्मन में बदल जाते हैं ये किसी को पता नहीं चलता, और दोस्ती से ज्यादा यहाँ दुश्मन होते हैं। तो ऐसे में अपने 16-17 सालों के क्राइम कैरियर में नीरज बवाना के भी कई दुश्मन बने। कई बार नीरज बवाना दूसरे गुटों से भिड़ चुका है। कभी उसका साथी रहा सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू डाबोदा, बवाना का दुश्मन था। लेकिन साल 2013 में डाबोदा को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। हालांकि कई सालों तक दोनों गुटों में हुई गैंगवार के चलते करीब 1.5 दर्जन लोग मारे गए। इसके बाद डाबोदा का काम प्रदीप भोला देखने लगा। नीतू डाबोदा के गैंग को देखने वाला प्रदीप भोला नीरज बवाना का अगला टारगेट बन गया। साल 2014 में एक बार नीरज बवाना ने रोनी कोर्ट में ही उसको मारने का प्रयास किया था, लेकिन वो फेल हो गया। इसके बाद एक साल बाद ही 25 अगस्त 2015 को नीरज बवाना ने प्रदीप की हत्या कर दी थी। आपको बता दें, नीरज अपने दुश्मनों को बख्शता नहीं था। अगर एक बार उसने ठान ली तो वो करके ही रहता था। नीरज बवाना एक खतरनाक गैंगस्टर है जो अंजाम की परवाह किए बिना ही अपराध को करता है। तो दोस्तों, गैंगस्टर नीरज बवाना के बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।